Good morning, smart learners. How are you? I hope you all are healthy and happy. Dear students, you are doing very good work. Keep it up. हमने कौन सा चैप्टर शुरू किया हुआ है? Yes, lesson 21. And what is the name of this chapter? Matter and materials. बच्चों आपने इसमें दो वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज देखी है ना, और इन एक्टिविटीज से आपको अपने टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आगे भी जो भी आप एक्टिविटीज इस चैप्टर में देखोगे वो आपको करनी भी है। किस लिए करते हैं हम एक्टिविटीज? ताकि हमें जो साइंस के टॉपिक्स हैं वो और अच्छे से समझ आ जाए। एक्सपेरिमेंट्स करके देखने होते हैं, एक्टिविटीज करनी होती है। तो आज हम इस टॉपिक में क्या करेंगे? सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे कि जो सॉलिड्स चीज़ें होती हैं वो लिक्विड में मिक्स हो जाती हैं। ओके बच्चों, आर यू रेडी फॉर दैट? यस, यू ऑल आर रेडी। सो ओपन योर बुक पेज 131। अपनी सब बच्चों बुक ओपन करो पेज 131 पे, और देखो आज हम सॉल्यूशन से अपनी एक्टिविटीज को करेंगे, और मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी और हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड्स कि क्या सॉलिड चीजें होती हैं, सभी सॉलिड्स क्या वो लिक्विड में मिक्स हो जाती हैं या नहीं होती। तो सब तैयार हो जाइए, पहले आप इनको समझोगे अच्छे से। आ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। अब बच्चों सॉल्यूशन टर्म को समझते हैं, वो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी सॉलिड को या फिर गैस को हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हमें जो तैयार चीज मिलती है वो होता है सॉल्यूशन। अब एग्जांपल के लिए देखो, मैंने यहाँ पर ये वाटर लिया है। वाटर कौन सी स्टेट है? मैटर की लिक्विड स्टेट है। और मैंने इसमें स्पून में सॉल्ट नमक लिया है। सॉल्ट कौन सी स्टेट है? सॉलिड स्टेट है। यस, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वाटर के अंदर क्या होगा? जो नमक है, सॉल्ट है, वो अच्छे से घुल जाएगा। और जो नमक के घुलने से जो वाटर तैयार होता है वो क्या बन गया? सॉल्यूशन। ऑन पेज 131 दिस एक्टिविटी इज गिवन, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड्स। कि जो सॉलिड चीजें होती हैं वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जो हमें क्या बताएगी। यस, सम सॉलिड्स डिजॉल्व इन लिक्विड। डिजॉल्व हो जाना, मिक्स हो जाना, कि कुछ सॉलिड्स लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या सामान लिया है देखो। ये क्या है मेरे पास? शुगर दिख रही है ना, ये चीनी है ना, जो आप घर में यूज करते हो, मम्मी किचन में यूज करती हैं, दिस इज शुगर। और यहाँ पर इसके लिए मैंने लिक्विड में क्या लिया है? वाटर। ये सॉल्यूट भी कहते हैं हम इसे, शुगर को। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स वेरी टाइटली पैक्ड हैं और इसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। और वाटर को हम सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज इन लिक्विड स्टेट। वाटर कैन इजिली पोर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। और ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं। तो आप चलिए अब हम इस एक्टिविटी को करते हैं। इसके लिए आई एम गोइंग टू पोर सम वाटर इन दिस ग्लास। देखो मैंने इसमें कुछ वाटर पोर किया है, डाला है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम शुगर इन दिस वाटर। मैंने अब यहाँ पर शुगर को इस वाटर में डाला है। आप भी इस एक्टिविटी को ऐसे ही करोगे घर पे,
अपनी मम्मा की हेल्प से, और ये एक्टिविटी करने के बाद मुझे इसकी वीडियो भी ज़रूर भेजोगे कि आपने ये एक्टिविटी की है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसको स्टर कर रही हूँ, घुमा रही हूँ स्पून से। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? टू मेक देम डिसॉल्व, शुगर को डिसॉल्व करने के लिए वाटर में। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है कि इस शुगर का क्या होगा, थोड़े समय के बाद ये शुगर कहाँ जाएगी, क्या ये वाटर में ऐसे ही रह जाएगी जैसी हमने डाली थी, या ये मिक्स हो जाएगी। अरे तो अब हमें देखो काफ़ी देर हो गई है इस वाटर को घुमाते हुए, शुगर को इसके अंदर मिक्स करते हुए। तो ऑब्जर्व करती हैं कि इसमें क्या होता है। बताओ बच्चों कहाँ गई वो शुगर, दिखाई दे रही है आपको शुगर, हमने जो 2 स्पून शुगर के इसमें ऐड किए थे? नहीं, तो वो कहाँ ऐड हो गई? इस वाटर के अंदर मिक्स हो गई है। वाटर के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड हैं, ये आपको मालूम है, और जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऐड हो गई हैं। तो शुगर किस में ऐड हुई है? वाटर में। और ये हमारे पास क्या बन गया है? सॉल्यूशन। तो सॉलिड क्या है यहाँ पर? शुगर। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और सॉल्यूशन क्या मिला हमें? शुगर सॉल्यूशन। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो बच्चों अब आपको एक्टिविटी से क्या समझ आया है? व्हेन आ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, कि जब कोई सॉलिड किसमें मिक्स हो जाता है? लिक्विड में मिक्स हो जाता है, तो जो सब्सटेंस हमें मिलता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन। तो हमने एक्टिविटी में क्या यूज किया था? शुगर। शुगर क्या है? सॉल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो भी सॉलिड स्टेट होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। वाटर, वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, ये आपको पता है। सॉल्वेंट क्या है? जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर मिक्स कर ले, दैट इज सॉल्वेंट, जो लिक्विड फॉर्म में होता है हमेशा सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूशन, दो चीज़ों को मिलाने से जो हमें मिलता है दैट इज सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया? शुगर प्लस वाटर लिया था ना एक्टिविटी में, तो क्या मिला हमें? सॉल्यूशन किस चीज़ का मिला? शुगर सॉल्यूशन। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन को, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। कैसे? सॉलिड हमने यूज किया और उसको लिक्विड में मिलाया, तो यहाँ पे क्या आएगा? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स, तो ये भी एक एक्टिविटी है जो अब हम करते हैं। और इस एक्टिविटी से हम क्या प्रूव करेंगे कि कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, जिन्हें हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं। तो अब हम इस एक्टिविटी से ये करके देखते हैं कि क्या सॉलिड्स वाटर में सभी घुलते हैं, या कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो वाटर में भी मिक्स नहीं होते, वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होते। बच्चों तो चलो अब एक और एक्टिविटी करते हैं, और इस एक्टिविटी से हम क्या प्रूव करेंगे? ऑल सॉलिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। पिछली एक्टिविटी में हमने शुगर लिया था, और शुगर को जब हमने वाटर में ऐड किया था वो मिक्स हो गई थी। पर अब हम यहाँ इस एक्टिविटी के लिए क्या ले रहे हैं? इरेजर आपके पास होगी, और मैंने ये वाटर लिया है। आपको भी क्या करना है? इरेजर लेनी है। इरेजर कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? सॉलिड। और ये वाटर, ये लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। तो अब हम इस इरेजर को इस वाटर में डाल रहे हैं, और मैं इसको अच्छे से, जैसे हमने शुगर को मिक्स किया था पिछली एक्टिविटी में, नाउ इन द सेम वे आई एम गोइंग टू स्टिर इट। देखो मैं इसको स्टर कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मिक्स इट। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? देखो, अरे ये क्या, द इरेजर इज नॉट मिक्सड इन वाटर, ये बिल्कुल पुरानी स्टेट में ही है जैसी हमने इसमें डाली थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स
टाइटली पैक्ड हैं पर ये इस वाटर में नहीं ऐड अप हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सॉलिड स्टेट होती है वो सभी चीज़ें वाटर में या किसी भी लिक्विड में मिक्स हो जाएं। जैसे अब ये स्पून क्या है, ये स्पून भी सॉलिड है पर ये मिक्स करते हैं, पर स्पून तो वैसे का वैसा है। तो ये मत सोचिए कि जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं वो वाटर में मिक्स हो जाती है, नहीं। देयर आर सम मटेरियल्स विच गेट मिक्स इन वाटर एंड देयर आर सम वन जो वाटर में मिक्स नहीं होते। तो बच्चों अब हमें इन एक्टिविटी से क्या पता चला है, सॉल्युबल सॉलिड्स, कि वो सॉलिड्स जो लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं, अच्छे से घुल जाते हैं। तो एग्जांपल आप बहुत सारे सॉलिड्स ऐसे देखोगे जो मिल जाते हैं लिक्विड के अंदर, लाइक शुगर, सॉल्ट। शुगर से तो हमने अभी एक्टिविटी भी की थी, और दूसरा क्या है, इन सॉल्युबल सॉलिड्स। पर जरूरी तो नहीं है कि जितनी भी सॉलिड चीजें हैं वो सभी वाटर में मिक्स हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाटर में या लिक्विड में मिक्स नहीं होती। तो उसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इरेजर आपके पास होगी, आप वाटर में डाल के देखना, पेंसिल है आपके पास, आपका पेन है, या फिर आपके घर में कोई भी छोटा सा लकड़ी का कोई सामान है बना हुआ छोटा सा जो वाटर में डाल सकते हैं। तो वो इवन आप नहाते हो ना, जो मग यूज़ करते हो प्लास्टिक का बना होता है, क्या वो वाटर में मिक्स हो जाता है? नो। तो सम थिंग्स आर सोल्यूबल इन लिक्विड एंड सम थिंग्स आर नॉट सोल्यूबल इन लिक्विड्स। स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर रीडिंग नाउ पेज 131। तो आज हमने जितना समझा है अब उसकी रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले पेज 31 पे देखो हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने क्या सीखा एक्टिविटी में, सॉल्यूशन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड और अ गैस इन लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। कि जब हम सॉलिड या गैस को किसी भी लिक्विड में ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, जो चीज़ हमें मिलकर जो बनाई जाती है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड्स। अब हेडिंग में क्या है कि सॉलिड्स क्या, कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सम सॉलिड्स डिसॉल्व इन लिक्विड्स। तो बच्चों हमने ऑलरेडी एक्टिविटी कर ली है और आपने इस एक्टिविटी को अच्छे से ध्यान से देखा है ना, तो हमने इस एक्टिविटी में क्या क्या किया था मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। टेक 2 teaspoonfuls ऑफ शुगर। हमने 2 चम्मच किसके लिए थे, शुगर के, चीनी के। पुट द शुगर इनटू वाटर एंड मिक्स विद अ स्पून। फिर क्या किया हमने, शुगर को लिया और वाटर में उसको मिक्स किया स्पून के साथ। डस इट डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। तो क्या वो डिसअपीयर हो जाती है कुछ समय के लिए? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था एक्टिविटी में जब मैंने आपको करके दिखाई थी, बताइए। यस, वो क्या हो जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है, वो गायब हो जाती है, जो शुगर है वो वाटर में मिक्स हो जाती है। अब उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है, शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर आफ्टर स्टरिंग। स्टरिंग क्या होता है, ऐसे घुमाना लगातार किसी चीज को मिक्स करने के लिए। हेयर, तो यहाँ पे शुगर क्या निकली थी, क्या बताया था मैंने, शुगर क्या है, शुगर इज सैच टू बी सोल्यूबल इन वाटर। जो चीज़ लिक्विड में घुल जाती है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि ये चीज़ सॉल्युबल है, ये चीज़ मिक्स हो जाती है। व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाती है, अच्छे से घुल जाती है, तो वो जो चीज़ बनती है क्या बन के आती है, सॉल्यूशन बन के आती है। और आपने एक्टिविटी में शुगर सॉल्यूशन को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। इन दिस केस, तो आपने क्या देखा था वहाँ पे, शुगर क्या है,
शुगर क्या है? शुगर इज अ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है? जो सॉलिड स्टेट में कोई चीज होती है। एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में चीज होती है, जिसमें हम सॉलिड को मिक्स करते हैं। और हमें जो दोनों को मिक्स करने के बाद चीज मिलती है, मैटर बनता है, वो क्या होता है? सॉल्यूशन। सो शुगर प्लस वाटर इज इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन। हमने चीनी को वाटर में मिलाया और हमें किसका सॉल्यूशन मिला? शुगर सॉल्यूशन। इन द अबव एक्टिविटी द शुगर इज अ सॉलिड। शुगर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड की आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होता है। एंड वाटर इज अ लिक्विड, तो लिक्विड के बारे में भी आपको पता है। लिक्विड में क्या है? मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड हैं, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। आप ऑलरेडी पिछली वीडियो में एक्टिविटी में देख चुके हो कि हम उसे जिस भी कंटेनर में डालते हैं, वाटर उसी की शेप ले लेता है और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सो व्हेन आर सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, कि जब भी हम किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, किस लिए? ताकि हम कोई मिक्सचर बना सके, सॉल्यूशन बना सके। द सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बच्चों, तो क्या सभी सॉलिड्स वाटर में या किसी भी लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं? ये आपने अच्छे से एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया है ऑलरेडी, तो चलो अब रीडिंग के थ्रू भी इसको समझते हैं। नहीं, सभी सॉलिड्स लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हें वाटर में डालते हैं या किसी और लिक्विड में ऐड करते हैं, तो वो सॉलिड सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, वो लिक्विड में मिक्स नहीं होता। यहाँ पर एक्टिविटी आपने देखी है, इसमें क्या किया हमने? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर लिया था हमने, ड्रॉप एंड इरेजर और अ पीस ऑफ वुड इन टू इट। तो मैंने इसमें क्या डाला था पानी में, बताओ, याद करो एक्टिविटी में। यस, हमने इरेजर यूज किया था। मिक्स इट विद अ स्पून, तो स्पून से मिक्स किया। डज इट डिसॉल्व इन वाटर, क्या वो इरेजर वाटर में डिसॉल्व हुआ था, मिक्स हुआ था? आपने ऑब्जर्व किया था ना एक्टिविटी में, तो बताओ मुझे। नहीं, इरेजर वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ था, वो सॉलिड फॉर्म में ही वाटर के अंदर हमें दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल सॉलिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सम सॉलिड्स विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सॉलिड्स, कि जो सॉलिड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम सॉल्युबल सॉलिड्स बोलते हैं, और जो सॉलिड्स वाटर में घुलते नहीं हैं, उसी स्टेट में रहते हैं जो उनकी एक्चुअल फॉर्म होती है, दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सॉलिड्स। चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video.